हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल एवरीथिंग लैब में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरी एंट्री लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं डायरी एंट्री के बेसिक फॉर्मेट की, उसके बाद हम एक सैम्पल डायरी देखेंगे। तो डायरी एंट्री लिखने के लिए सबसे पहले टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर हम डेट लिखते हैं, ठीक है। उसके नीचे डे और देन टाइम, जिस टाइम पे डायरी लिखी जा रही है। अब ये जो टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम डायरी लिखेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि टाइम मोस्टली डायरी लिखने का रात का टाइम होता है, लाइक 10 बजे या 9 बजे, 9 ओ क्लॉक या 10 ओ क्लॉक, 9:30 ये रख सकते हो आप। आप मॉर्निंग या दोपहर वाला टाइम जो है उसको लिखना अवॉइड करिएगा, वैसे इतना फंड नहीं है इस चीज़ का, बट स्टिल। उसके बाद लाइन छोड़ के डेयर डायरी, देन हम लोग लाइन छोड़ के बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब डायरी की बॉडी हमेशा ही पास्ट टेंस में होती है, बिकॉज डायरी एक इवेंट के बारे में होती है जो पहले हो चुका है हमारे साथ, तो हम उन मेमोरीज़ को पेज के ऊपर उतारते हैं किसी, ठीक है। तो डायरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग एक सैम्पल डायरी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, मेक अ डायरी एंट्री ऑफ योर डे लॉन्ग एक्टिविटीज ऑन द डे यू सेलिब्रेटेड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर यंगर सिस्टर। आपको डायरी एंट्री लिखनी है उस दिन की जिस दिन आपकी छोटी बहन की शादी हुई थी। तो हम इस एग्जांपल से देखेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, और अगर किसी और टॉपिक पे भी डायरी आती है तो आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। सबसे पहले ऊपर डेट लिख दी, डेट आप कोई सी भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करता है, बस थोड़ा एयर आसपास का ही रखना। देन डे कोई भी लिख दिया। उसके बाद टाइम, अगेन टाइम नाइट टाइम ही होता है डायरी लिखने का, लाइक 9:30 PM यहाँ मैंने लिखा है। आप 10 PM लिख सकते हो, 10:30 लिख सकते हो, बट सुबह का और दोपहर का टाइम लिखना अवॉइड करिएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ लिखा है लाइन छोड़ के डियर डायरी, क्योंकि हम यहाँ पर डायरी से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया हमारे इवेंट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया है कि किस टॉपिक की बात की जा रही है, मैरिज सेरेमनी की थी तो मैंने लिख दिया कि हाँ जी मैरिज सेरेमनी हुई है मेरी छोटी बहन की आज ही, और वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पॉम्प एंड शो के साथ, काफ़ी ऐसे कलर्स के साथ सेलिब्रेट करी गई थी। ओके, ग्रेट प्रेपरेशंस फॉर मेड 2 मंथ्स एगो, 2 महीने पहले से ही प्रेपरेशंस शुरू हो चुकी थी। वेडिंग कार्ड्स सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दिए गए, मेल कर दिए गए कार्ड्स, जो लोग बाहर रह रहे थे शहर से उनको मेल कर दिया गया। तो इन शॉर्ट, अगर किसी भी टॉपिक पे आती है डायरी लिखना, तो पहले आप बताओ उस टॉपिक का कि हाँ भाई ये इवेंट हुआ था, इस इवेंट में ये चीज़ें हुई हैं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ लिखा है एलेबोरेट अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द डिनर, क्योंकि शादी है तो ऑब्वियसली डिनर की बात तो की ही है कि हाँ डिनर के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हुआ। द ब्राइड ग्रूम केम ऑन अ वेल डेकोरेटेड मेयर, मिलनीस वर परफॉर्म, मिलनी की रस्म हुई, देन जयमाला की रस्म हुई। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी रस्म वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी रिचुअल होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बस थोड़ा रियलिस्टिक रहना, बिकॉज डायरी रियलिस्टिक ही होती है। द गेस्ट फ्रॉम बोथ द साइड इन्जॉय डेलीशियस फूड आइटम्स, स्वीट्स एक्सेट्रा, दोनों साइड के जो गेस्ट थे उन्होंने काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना खाया। एवरीवन वाज हैप्पी बिफोर द लास्ट सेरेमनी, हर आदमी खुश था एंड वाली सेरेमनी से पहले, बिकॉज लास्ट में वही विदाई वगैरह का हमने मेंशन किया है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग वी सॉ माई सिस्टर एंड हर ग्रूम ऑफ विद टियरफुल आइज, हमने उन्हें नम आँखों से विदा करा, और वो एक काफ़ी ज़्यादा टचिंग मोमेंट था। माई सिस्टर्स प्रेजेंस, आई विश हर हैप्पी मैरिड लाइफ, मैं अपनी सिस्टर की प्रेजेंस को मिस करूँगा, मैं चाहूँगा वो खुशी से रहे। तो इस तरह से हम अपनी डायरी को एंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी मैरिज की, बट अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डायरी एंट्री आती है तो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि आप कहीं पर गए थे, देन वहाँ पर क्या क्या हुआ, किस तरह के लोगों से आप मिले और आपका दिन वहाँ कैसा गुजरा। देन आप अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ लिख सकते हो, लाइक इट वॉज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस डे ऑफ माई लाइफ, कुछ इस तरह से आप एंड कर सकते हो डायरी एंट्री का। आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपकी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन भी दबा दीजिएगा।